In this video, we are going to study about the expectorants. So, this is the unit 4 of फार्मास्यूटिकल इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेक्टोरेंट्स ऐसे ही हमारे दो तीन टॉपिक्स और हैं जो हम डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं तो हमें इसमें ऐसे ही पढ़ना होगा जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा कोई भी एक टॉपिक जैसे आपने गेस्ट्रो इंटरस एजेंट्स में देखा था तो आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा फिर हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फिर हम उसमें कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे और जो भी ड्रग्स हमारे सिलेबस में स्टेरिक मार्ग है उनका हम साथ में ऐसे भी पढ़ेंगे ठीक है तो ऐसे ही हमें हमारा कंटिन्यू करना है सिलेबस सो द फर्स्ट इज एक्सपेक्टोरेंट्स तो एक्सपेक्टोरेंट वर्ड जब भी हम सुनेंगे तो हमें वो ड्रग्स याद आएंगी जो हम जब हमें कफ हो जाता है तब हम लेते हैं ठीक है हमें खांसी होती है जो जिस खांसी में हमारी जो कफ़ होता है वो हमारे चेस्ट में एक्यूमुलेट हो जाता है और वो इजेक्ट आउट नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हमें कफ़ आने लगता है बार बार खांसी होने लगती है उनको हम बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स तो वो ये ड्रग्स क्या करती हैं जो स्प्यूटम हमारे चेस्ट में मतलब एक्यूमलेट हो जाता है जो जो निकल नहीं पाता है उसको वो इजेक्ट आउट करवाने में हेल्प करती हैं ठीक है एक्सपेक्टोरेंट्स और म्यूकोलिटिक एजेंट्स इसका अदर नेम क्या है म्यूकोलिटिक एजेंट्स दी आर द ड्रग्स दैट हेल्प इन रिमूविंग स्प्यूटम स्प्यूटम क्या होता है मिक्सचर ऑफ सलाइवा एंड म्यूकस जिसको हम बलगम बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में लेमन लैंग्वेज में ठीक है तो जो सलाइवा और म्यूकस का मिक्सचर होता है दैट इज अ स्प्यूटम उसको वो हमारे जो रेस्पायरेटरी mm, में मेंट होता है उसको जेक्ट आउट करने में हेल्प करता है फ्रॉम द रेस्परेटरी ट्रैक्ट इधर बाय अब कैसे uh, इजेक्ट आउट करेगा दो तरह से करेगा या तो वो इंक्रीज़ कर देगा फ्लूडिटी ऑफ स्प्यूटम मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है उसको थिन कर देगा या फिर क्या करेगा इंक्रीज़ कर देगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूड दैट हैव टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द रेस्पिरेटरी ट्रैक बाय कफिंग ठीक है या तो उस फ्लूड का कॉन्सनट्रेशन बढ़ा देगा वॉल्यूम बढ़ा देगा या फिर हमारी जो फ्लू स्प्यूटम uh, है उसको थोड़ा मतलब उसकी विस्कोसिटी कम कर देगा जितना uh, पतला लिक्विड होता है वो उतने ज़्यादा टेंडेंसी होती है उसके फ्लो करने की तो इसीलिए जब इस प्यूटम मतलब तो इसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो वो ईजिली जैक्ट आउट हो जाएगा नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इनऑर्गैनिक एक्सपेक्टोरेंट्स आर एमोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड सोडियम आयोडाइड एंड रिलेटेड सब्सटेंस इफ़ डोजेज ऑफ एक्सपेक्टोरेंट इज हाई दिस में इंडियूस वॉमिटिंग एमेटिक एक्शन ठीक है अगर हम एक्सपेक्टोरेंट्स को हाई अमाउंट में किसी पेशेंट को दे देते हैं तो वो एमेटिक एक्शन भी शो करेगा एमेटिक एक्शन मतलब कि इट कैन ऑल्सो इंडियस वॉमिटिंग एमेटिक क्या होते हैं एमेटिकॉमिटिंग in ठीक है तो वो ड्रग्स जो वॉमिटिंग इंड्यूस करती है दे आर एमेटिक्स तो अगर हम एक्सपेक्टोरेंट्स को ही ज़्यादा अमाउंट में किसी पेशेंट को दें तो वो वॉमिटिंग इंड्यूसिंग एक्शन भी शो करेगा ठीक है नाउ लेट सी द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे आर क्लासिफाइड इन फर्स्ट इज द सीडेटिव टाइप अब सीडेटिव वर्ड हम सुनेंगे तो हमें खुद याद आ जाएगा थोड़ा सा नींद नींद वाला इफेक्ट शो करना ठीक है दे आर स्टमक इरीटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट्स विच आर एबल टू प्रोड्यूस देर इफेक्ट बाई स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक रिफरेंसेज फॉर एग्जाम्पल आईपिका अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम आयोडाइड दे आर आल्सो नोन एज एनोडाइन ठीक है सो so ये हमारे फर्स्ट वन दैट इज सिडेटिव टाइप्स नेक्स्ट वी हैव द टाइप्स दे आर स्टीम्यूलेंट विच ब्रिंग अबाउट स्टिम्यूलेशन ऑफ सिक्रेटरी सेल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिंस दिस ड्रग द मोर फ्लूइड गेट प्रोड्यूसड इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड द स्प्यूटम इज डायल्यूटेड क्या करेगा ये जो स्प्यूटम है उसको डायलूट मतलब उसको उसकी विस्कोसिटी कम कर देगा उसे पतला कर देगा फॉर एग्जाम्पल लेमन ऑरेंज यूक्लेप्टस नेक्स्ट आर द म्यूकोलिटिक एक्सपेक्टोरेंट्स दे हेल्प इन रिड्यूसिंग दिसकोसिटी दूस ब्रॉकियल सिक्रीशन क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमारा जो viscosity है, उसको कम कर रहे हैं और जो हमारे ब्रॉन्ल सिक्रीशंस है उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको थिक, उनकी थिनिंग और उनकी लूजनिंग कर रहे हैं दे एक्ट इफेक्टिवलीज प्रेजेंट दैट इज इट इज इन्फेक्टेड दैट इज इट इज प्यूरेंट सॉरी मतलब अगर हमारा म्यूकस इन्फेक्टेड होगा तो हम ये वाले एक्सपेक्टोरेंट यूज करेंगे सो दीज आर द क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन टू द एक्सपेक्टोरेंट्स अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ड्रग्स दैट आर इंक्लूडेड इन आर सिलेबस ठीक है जिसमें से जो हमारी फर्स्ट ड्रग है वो है हमारी अमोनियम क्लोराइड और ये ड्रग हम ऑलरेडी एसिडिफाइंग एजेंट से मतलब हम पहले ही हम पढ़ चुके हैं तो जो हम अब फर्स्ट ड्रग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में वो हो जाएगी हमारी पोटेशियम आयोडाइड ठीक